टेंस टू माइनस इनफिनिट, बिटवीन माइनस इनफिनिट टू एंड प्लस इनफिनिट टू इज बाइजेक्टिव, ओके। यानी ये ग्राफ, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये क्या है, जीरो से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसी के बीच में ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। अच्छा, अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स क्या होगा, कॉट इन्वर्स दिस मच इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो रेंज था डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो रेंज बन गया, ओके। अब यहाँ पर हमने देखी यक्स एक्सिस पर क्या लिया था, डोमेन, क्या लिया था, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ भी इन्वर्स फंक्शन में भी यक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, डोमेन, और डोमेन आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही ना, अच्छा। और रेंज को वाई एक्सिस पर लिया था, यहाँ देखिए, यहाँ पर जीरो पाई बाई टू पाई, जीरो पाई बाई टू पाई, पाई पर फंक्शन। अब देखिए इन्वर्स का, काट इन्वर्स का एक फंक्शन आ रहा है आपका क्या ग्राफ, पाई पर क्या है इन्फिनिटी, पाई बाई टू पर क्या है जीरो, यह देखिए पाई बाई टू पर ये किसका ग्राफ हुआ, काट इनवर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी टू बिटवीन जीरो एंड पाई, ओके। अच्छा, हमको काट इनवर्स एक्स का हमको क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ का एनालिसिस करिए, डोमेन, डोमेन क्या है इसका, माइनस इन्फिनिटू, बिटवीन माइनस इन्फिनिटू एंड प्लस इन्फिनिटू, रेंज इसका क्या है, जगह कम है ब्लैक बोर्ड पर, घर से पढ़ा रहा हूँ, बिटवीन जीरो एंड पाई, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको नोट, इसको ध्यान में रखिए, ये है क्या, जज करिए, जज करिए, यहाँ पर किसी आदमी को खड़ा करिए थी फिसलते हुए नीचे आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब आर्ड इवन चेक करता हूँ, पिछले वीडियो में बताया गया है काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस काट इनवर्स एक्स, भाई ये तो डिफाइन कर रहा है कि फंक्शन क्या है, आर्ड है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो हमने मिरर इमेज लिया इसका, इसका जो मैंने यहाँ पर मिरर इमेज लिया वो क्या है, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं है इसकी, नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, भाई माइनस आ गया तो इवन का प्रश्न ही नहीं उठता, ओके, तो न तो ऑड है न तो इवन है, ओके। अच्छा देखिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमको मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए यह क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफ्रेंशिएबल भी है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लें प्लीज। चलिए, इनवर्स फंक्शन ऑफ सेक एक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक आर माइनस टू एन माइनस वन पाई बाय टू टू माइनस इन्फिनिटू बिटवीन, सॉरी माइनस इन्फिनिटू टू माइनस वन, माइनस इन्फिनिटू इसमें एक्सक्लूडेड है, सम्मिलित नहीं है, यूनियन वन इन्फिनिटू, सॉरी यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इन्फिनिटू पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। तो पता है आपका, आपको कि सेक एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये, और इसका ग्राफ आपको खींच कर बताया गया था। इसमें आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, लेकिन इसमें पाई बाई टू पर बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, जीरो से पाई के बीच में बाइजेक्टिव है लेकिन इसमें पाई बाई टू सम्मिलित नहीं है। तो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स फ्रॉम जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, इसमें पाई बाई टू लेंगे नहीं क्योंकि पाई बाई टू फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, टेंस टू माइनस इन्फिनिटू बिटवीन माइनस इन्फिनिटू एंड प्लस इन्फिनिटू इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर केवल बाइजेक्टिव हमको दिखाना है तो हमको इस ग्राफ से और इस ग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है,
केवल हमको यही दिखाना है यहाँ तक, ओके। ये क्या है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये, सॉरी यहाँ सेक इनवर्स लिखा है हमने ना, सॉरी गलत, सो सॉरी, सेक दिस मच इज बाइजेक्टिव। अब सेक इनवर्स ए माइनस इन्फिनिटी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी टू फ्रॉम जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, ये क्या हो गया इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये इसका इन्वर्स फंक्शन ये हो गया, सेक का इन्वर्स फंक्शन ये हुआ। इसका डोमेन क्या है, बिटवीन माइनस इन्फिनिटू एंड प्लस इन्फिनिटू, रेंज इसका क्या है, ये इसका क्या हो गया रेंज, ओके। अब हमको क्या करना है बेटा, अब डोमेन को कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर, और रेंज को कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ हम जीरो पाई बाई टू पाई वाई बराबर जीरो, वाई बराबर पाई बाई टू, वाई बराबर पाई। तो जीरो पर फंक्शन कितना है, एक्स बराबर कितना है, जीरो पर वन, पाई बाई टू पर कितना है, ये इन्फिनिटू, पाई पर कितना है माइनस वन, ओके। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, चलिए अब प्लॉट कर लिया हमने, y बराबर जीरो, ये हो गया y बराबर जीरो, y बराबर पाई बाई टू, y बराबर पाई ले लिया हमने। अच्छा, जीरो पर वन था, पाई बाई टू पर इन्फिनिटी, ठीक है, पाई पर माइनस वन। चलो भाई पहले पाई और माइनस वन डिसाइड करते हैं, पाई ऐसे जाएगा, सॉरी जीरो माइनस वन ऐसे जाएगा और पाई आपका ऐसे आएगा, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। और जीरो पर कितना है, पाई, सॉरी जीरो डिग्री पर कितना है, वन है, जीरो पर कितना है, वन है। चलो जीरो पर वन, पाई पर इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए ना, और इस पर यहां से उतरेगा ऐसे जाएगा, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब आप इसकी एनालिसिस कर डालें, एनालिसिस करिए, डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज कितना हुआ, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, ओके, ये हो गया। अच्छा, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, बोलो भाई, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, ये तो ठीक है, लेकिन ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री नहीं है, तो क्या हो गया, नाइदर ऑड, न तो ऑड फंक्शन है, नॉट इवन, न तो इवन है, नाइदर ऑड नॉट इवन, ठीक है। अब एक चीज और बचता है इसका, क्या, ये हो गया डोमेन, हो गया रेंज, हो गया, एक चीज हम बताना भूल गए थे क्या पिछले वीडियो में, हाँ, सिम्प्टोट बताना भूल गए थे। सिम्प्टोट में यह देखना है कि कहां पर यह ग्राफ इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है, ये सिम्प्टोट क्या हुआ इसका, सिम्प्टोट। चलिए आगे जब क्वेश्चन आएगा उसमें आईआईटी जेई में, जेई मेंस में, तब इसकी चर्चा होगी, क्या है पाई बाई टू पर ही ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को अटेन कर रहा है, और क्या बचा, हाँ कंटिन्यूटी। आप बताओ बेटा,
यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ खींचा, फिर इस ग्राफ को खींचने के लिए हमको मार्कर उठाना पड़ा ना, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी मैं किताब चेक कर रहा था, किताब में भी नहीं पाया, कई वीडियोस देखा, वीडियो में भी लोग क्लियर नहीं किए इसको, लेकिन जैसे अब तक जो है चार का हुआ कि भाई यहाँ तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये न तो कंटिन्यूअस है और न ही डिफरेंशिएबल है। नोट कर लें, एक ग्राफ आपका और बचा है कोसेक एक्स का। चलिए इनवर्स फंक्शन ऑफ कोसेक एक्स देखते हैं। पहले कोसेक एक्स का ग्राफ पता है आपको, आर माइनस एन पाई पर कोसेक एक्स डिफाइन है, इसका डोमेन आर माइनस एन पाई टू माइनस इन्फिनिटू टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटू। टू इन्फिनिटू क्या पढ़े इसको, इसमें इन्फिनिटू इंक्लूड नहीं है, इस यहाँ भी मतलब इन्फिनिटू कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ये एक्सक्लूड होता है, ठीक है। ये हुआ, और इस ग्राफ में जब हमने देखा कि यहाँ से देखा हमने कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बाइजेक्टिव, जहाँ इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा वहाँ बाइजेक्टिव नहीं है, ये पाई बाय टू तक यहाँ देखो ये इन्फिनिटी है, जहाँ से सॉरी यहाँ पर बाइजेक्टिव है, लेकिन जहाँ पर ये जीरो डिग्री पर ये इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है उस पर बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम बताए थे कि रिस्ट्रिक्टेड रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो माइनस पाई बाई टू प्लस बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस जीरो, इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये कोसेक एक्स क्या है, बाइजेक्टिव है। तो मैंने लिख भी दिया कोसेक फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो टेंड्स टू दिस मच इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है। चलिए अगर केवल हमको बाइजेक्टिव ही दिखाना है तो आप बताइए हमको इस ग्राफ की क्या जरूरत है, इस पोर्शन की क्या जरूरत है, और इस पोर्शन की क्या जरूरत है। बाइजेक्टिव तो का ग्राफ तो यही हुआ, यही हुआ ना। अब इसी का, अब जैसे जब ये बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, ये इसका कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, मतलब माइनस इन्फिनिटू टू माइनस वन क्लोज इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल वन इन्फिनिटू ओपन इंटरवल, ओके टू व्हाट, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया कोसेक का, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डोमेन लिए थे ना, और वाई एक्सिस पर क्या लिए थे, रेंज लिए थे, अभी भी वही काम करेंगे, लेकिन डोमेन और रेंज आपका क्या हुआ, बदल चुका है, डोमेन और रेंज आपका क्या हुआ, बदल चुका है। अब बताओ अब इसको माइनस पाई बाई टू जीरो पाई बाई टू किस पर लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे, तो वाई बराबर क्या हो गया भैया, माइनस पाई बाई टू, वाई बराबर जीरो, वाई बराबर पाई बाई टू, जब वाई बराबर माइनस सॉरी जब वाई बराबर माइनस पाई बाई टू तो एक्स बराबर कितना हुआ, माइनस वन, यहाँ पर देखिए ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस वन है ना, ये वाला ये माइनस वन हुआ है। अच्छा जीरो पर कहाँ हो रहा है, एक्स इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है ये, ठीक है, और पाई बाई टू पर एक्स बराबर कितना है, प्लस वन है, पाई बाई टू पर देखो ये प्लस वन है, ये प्लस वन वाली बाउंड्री लाइन है, प्लस वन वाली, ये माइनस वन वाली बाउंड्री लाइन है ये, ठीक है, तो प्लस वन, ओके। चलिए इतना नोट करिए, तब तक मैं ग्राफ प्रिपेयर करता हूँ। तो दो पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, दो पॉइंट्स मिले।
आप देखो कि ये y बराबर माइनस पाई बाई टू थी, s बराबर माइनस वन, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया ये, ठीक है। और y बराबर जीरो पर x बराबर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, x बराबर कल वही सॉरी इसी पहले हम बता रहे थे ग्राफ इधर से ना, x बराबर इन्फिनिटी होगा, ये ग्राफ हमारा कैसा होगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के। यहाँ देखिए यह ग्राफ भाई पाई बाई टू पर वन ये आ गया और y बराबर जीरो पर इन्फिनिटी, ये ग्राफ देखिए हमारा ऐसे आ रहा है। जरा एक बात ऑड इवन में बात फंसती है, जरा इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये प्लस वन पाई बाई टू है, ये पॉइंट जरा देखो ये क्या है, माइनस वन माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अभी चर्चा करेंगे इस पर। तो पहली बात तो इसको मिटा देना चाहेंगे, ये वाला अब कोई मतलब नहीं है इसका। डोमेन क्या हुआ इसका भैया, डोमेन तो क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये ओपन क्लोज इंटरवल है भैया, ओपन इंटरवल है, इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस माइनस वन एंड वन, सिंपल में ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक वाले में भी ऐसा कर दीजिए आप, सिंपल में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। रेंज क्या हुआ इसका, रेंज वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और ये जीरो पर डिफाइन नहीं है, जीरो पर फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया। अच्छा अब जरा देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स ना, ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के साथ साथ जरा ये देखना है कि अगर ग्राफ पर एक्स वाई हमने रखा, ध्यान दो पहले एक्स वाई रखा, एक पॉइंट एक्स वाई मिला, अगर इसी के संगत दूसरा पॉइंट माइनस एक्स माइनस वाई मिल जाए तो फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है, क्या होता है, ऑड। जरा देखो इस ग्राफ पर, यहाँ पर प्लस वन पाई बाई टू, माइनस वन माइनस पाई बाई टू, तो ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, ऑड है, सिंस यहाँ लिखिए प्लस वन पाई बाई टू एंड माइनस वन कोऑर्डिनेट है ये, इसमें क्लोज और ओपन इंटरवल की बात नहीं है, हाँ, लाई ऑन ग्राफ, ट्रेंड चेंज कर दिया हमने, लाई ऑन ग्राफ, सो इट इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ओके, वन टू थ्री, इतना डिटेल पाओगे नहीं, बता दे रहा हूँ, साइन कॉस का तो पा जाओगे, टैन का पा जाओगे, लेकिन इतना डिटेल किसी का पाओगे नहीं, कहीं भी खोज लेना, खोज के तब बताना हमको, तो मैं भी पढ़ लूँगा एक बार। अच्छा नॉट कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ये ग्राफ आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं भाई, इसको खींचा फिर मार्कर उठा करके इसको खींचा, इसलिए इन दोनों ग्राफ को खींचने के लिए हमको मार्कर उठाना पड़ रहा है, नॉट कॉन्टीन्यूअस। देखिए अभी जो हम बार बार कर रहे हैं, ऑड है, इवन है ना, कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है, इसकी ज़रूरत हमको आगे पढ़ने वाली है इस चैप्टर में ना, सही
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक हमको ये पढ़ना है, तो अभी से कुछ पढ़े रहेंगे हमको हम लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। बेटा अगर ये दो ग्राफ आपको याद है, ये किसका ग्राफ है आपका, ये साइन इनवर्स एक्स का। यह किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का। अगर ये दो ग्राफ आपको याद हैं तो कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सेक इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ जहाँ से समाप्त होता है वहीं से कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, शुरू होता है, यहाँ समाप्त हो रहा है ना। ये देखिए, ये ओके, यहाँ समाप्त हो रहा है, ये देखिए कि किसका ग्राफ आ गया, ये कोसेक इनवर्स एक्स। अभी निकाले आप कि कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब चलिए कॉस इनवर्स एक्स का, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। चलिए यहाँ समाप्त हो रहा है, ये पैरेलल हो गया, यहाँ समाप्त हो रहा है, ये ठीक है, इससे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ये थोड़ा अच्छा सा नहीं बनाया हूँ, ऐसे जाकर पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया आपका किसका, सेक इनवर्स एक्स का, ओके। ये पाई बाई टू पर जो है पैरेलल को, ये सिमटोड बताया था ना, सिमटोड सेक इनवर्स का क्या पाई बाई टू, और कोसेक का क्या बताए थे, कोसेक एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, बोलो एक्स बराबर इन्फिनिटी एक्स एक्सिस हो गया, इसका सिमटोड ही एक्स एक्सिस हो गया, किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का सिमटोड ही एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। यहाँ ये किसके पैरेलल हो रहा है, सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू के, तो इसका सिमटोड क्या हो गया, पाई बाई टू। तो कोसेक इनवर्स का हम सिमटोड नहीं बताए थे, तो कोसेक इनवर्स एक्स का सिमटोड, सिमटोड क्या होगा भैया, जिस एक्स प्रभाव क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है क्या, ग्राफ ऑफ का, ठीक है, ये यही तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम आप लोगों को देखेंगे कि अगर ऑलरेडी एक्सरसाइज सॉल्व हुई है 2.1, तब तो मैं सीधे अपलोड कर दूंगा, चेक कर लीजिएगा। मतलब अपलोड करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्लेलिस्ट में है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।